ये तो हुई शपथ ग्रहण समारोह की बात। अब हम आपको राहुल गांधी के रूठने और मनाने की कोशिश से जुड़ी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तीन राज्यों में आज की बड़ी राजनीतिक हलचल के बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जेडीएस की करारी हार के बाद कर्नाटक में कांग्रेस और वहां की गठबंधन सरकार पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस के बीच दरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस विधायक भी पाला बदलने की फिराक में हैं और इसीलिए आज शाम 6 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। इस बीच कांग्रेस के दो विधायकों ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी की है, ऐसी भी खबरें हैं। कांग्रेस में फूट को बचाने के लिए आज गुलाम नबी आजाद और केसी वेणुगोपाल बेंगलुरु जाएंगे। अब बात करेंगे ओडिशा की। नवीन पटनायक लगातार पांचवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज सुबह 10:30 बजे भुवनेश्वर के एग्जीबिशन ग्राउंड में शपथ समारोह है और आज मुख्यमंत्री समेत 21 मंत्री शपथ लेंगे। इसमें 11 कैबिनेट मंत्री हैं और नौ राज्य मंत्री हैं। मंत्रियों में 10 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। इसी के साथ तीसरी राजनीतिक खबर यह है कि आज ही अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की नई सरकार शपथ लेगी। पेमा खांडू दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ईटानगर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 60 में से 41 सीटों पर बीजेपी जीती, कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाई हैं। चलिए अपनी बात पर वापस लौटते हैं, बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस्तीफे के फैसले पर कायम हैं और उन्हें मनाने रिझाने की कोशिशों का भी अभी तक दौर चलता है, थमने का नाम नहीं ले रहा है और कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इन सब के बीच विरोधियों ने दावा यह किया कि कांग्रेस में जल्द ही बगावत होने वाली है और इससे कांग्रेस की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। चुनाव नतीजे आए तो राहुल गांधी ने पार्टी से कहा था कि घबराना मत। जो हमारे लीडर्स हैं, जो जीते हैं जो हारे हैं, उनसे कहना चाहता हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरो मत, एक साथ हम लड़के अपनी विचारधारा को जिताएंगे। लेकिन अब खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कोप भवन में बैठे 7 दिन हो गए हैं और कांग्रेस डिप्रेशन में डूबती जा रही है। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने के लिए कल भी कई नेता उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन राहुल अड़े रहे। उन्होंने किसी को मिलने का टाइम नहीं दिया। कांग्रेस नेता दिन भर बयान देते रहे कि राहुल गांधी से बेहतर कांग्रेस अध्यक्ष कोई हो ही नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी में ये राहुल जी का बड़प्पन है कि वो इस्तीफे पे वजिद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज राहुल गांधी की जरूरत है। लेकिन अब कांग्रेस के सामने नई टेंशन है कि अध्यक्ष के डिप्रेशन में कहीं पार्टी न टूट जाए। माना जा रहा है कि कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्टी नेताओं ने भविष्य तलाशने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान बीजेपी के उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि कांग्रेस के करीब 25 विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस में काफी उठापटक हो रही है, हलचल हो रही है। अब हलचल में मुझे जैसे जानकारी इनडायरेक्ट डायरेक्ट मिला है, बसपा के विधायक तो दुखी हैं, कांग्रेस के भी 20-25 विधायक दुखी हैं। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार भी 2 वोटों के जुगाड़ से चल रही है। बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि कांग्रेस की दोनों ही अल्पमत सरकारें बस कुछ दिन की मेहमान हैं। वहीं गुजरात में कांग्रेस छोड़ चुके अल्पेश ठाकोर ने भी दावा किया है कि कांग्रेस के 15 MLA पार्टी छोड़ सकते हैं। आप 3-4 MLA की बात कर रहे हैं, पर वेट कीजिए, मैं 15 से ज्यादा MLA कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की करारी हार पर जिम्मेदारी ओढ़ते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नेताओं की संख्या 13 तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ये कहा कि कांग्रेस को सिर्फ राहुल गांधी ही संभाल सकते हैं। थरूर ने एक इंटरव्यू में उन दावों को बेबुनियाद बताया कि कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। थरूर ने पार्टी को आगाह करते हुए कहा कि कांग्रेस की श्रद्धांजलि लिखने का समय अभी नहीं आया है, पार्टी जिंदा है और सक्रिय है।
हमारे पास घाव को बैठकर सहलाने का समय नहीं है क्योंकि कई राज्य के चुनाव आ रहे हैं, इनमें से कुछ तो 4 या 5 महीने ही दूर हैं। मजबूती देने की कोशिश कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कर रहे हैं कांग्रेस को। एक छोटा सा ब्रेक, फॉर लौटेंगे।